press the bell icon on the YouTube app and never miss an update from Shemmaru. अपनी ही करनी का फल है नेकियां रुस्वाइयां आपके पीछे चलेंगी आपकी परछाइयां। भाई वाह, खुशी भी क्या चीज है, बूढ़े को जवान बना देती है। चमन लाल, फिक्रों ने जवानी में बूढ़ा भी तो मुझे बना दिया था। अच्छा अब मैं चलता हूँ। आज तू पास नहीं हुआ है, मैं पास हुआ। बलदेव बेटा, जिंदगी कब से मेरा इम्तिहान ले रही थी, अब संभाल ये घर बार। मैं तो अजय भट्टो भी, माँ को भी तो प्यार करने दो अपने लाल से। माँ जुग जुग जियो मेरे लाल, आज सारे दरिद्र दूर हो गए, दिल खोल दिए तूने इस घर के। माँ, माँ ये सब तेरे आशीर्वाद का फल है।
और चंद्रमोहन चोपड़ा और चन्नी के चैलेंज का जिक्र ही नहीं, जिसने छाती ठोक कर कहा था कि अगर बलदेव भैया पास ना हुए तो मैं अपनी मूछ रख लूंगा। अच्छा तो अब मैं दफ्तर चलता हूँ। पिताजी अब तो आपको दफ्तर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए, अब आपको नौकरी की क्या जरूरत है? बलदेव भैया डॉक्टर हो गए और मैं भी पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ बन ही जाऊंगा। जब तू कुछ बन जाएगा तभी छोड़ दूंगा नौकरी। अकेला बलदेव कहां से बोझ उठाएगा? बोझ कैसे पिताजी, तुम तो जानते हो बेटा अपना ये मकान भी गिरवी है। मकान गिरवी रखकर आपने कोई ऐप तो नहीं किया, लड़के को डॉक्टर बनाया, अब वो कुछ कमा कर मकान छुड़ा लेगा। ये मकान तो क्या माँ, मैं कुछ दिनों में तेरी नया बंगला बना दूंगा। मगर बंगले का नक्शा मुझसे बनवाना भैया। अच्छा भाई तुम लोग नक्शे बंगले बनाते रहो, मैं तो चला। अब तो मेरी यही इच्छा है कि घर में बहू आ जाए। ऐसी भी क्या जल्दी है माँ? तुम्हें जल्दी नहीं, मुझे तो है, तुम तो जानते हो आए दिन बीमार रहती हूँ। सोचती हूँ घर में बहू रानी आ जाए तो घर की चाबियां उसे सौंप दूं और माला लेके बैठ जाऊं। तुम इस बात की चिंता ना करो माँ, आजकल की लड़कियां ससुराल में कदम पीछे रखती हैं मगर घर की चाबियां पहले संभाल लेती हैं, और सास के लिए माला तो वो जहेज में लेकर आती। चल है, तू तो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। बोल 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 भैया, दो एक तुम्हारी रेखा ऐसी नहीं है। अब पता नहीं लगता तो नहीं लेकिन शायद हो। लगता नहीं? क्या नहीं लगता डॉक्टर? तुम ठीक कहती हो रेखा, डॉक्टर तो मैं औरों के लिए हूँ, तुम्हारा तो मैं बीमार हूँ। डॉक्टर साहब आपकी इस बीमारी का इलाज मेरे पास नहीं, मेरे डैडी के पास है। डैडी? मगर ये बीमारी उन्हें बताएगा कौन? तुम और कौन? मैं? बाप रे बाप, उनसे तो मेरा बाप भी ये बात नहीं कर सकता। क्यों? रेखा जमीन आसमान का क्या मेल? मेरी डैडी इन फजूल बातों को नहीं मानते, और फिर तुम्हें तो वो बहुत पसंद करते हैं। ये पसंद और बात है और वो पसंद और। ओहो बलदेव, मेरे पास लहन का कोई इलाज नहीं। श्रीमान श्री गुग्गू राम जी महाराज, जरा हिम्मत से काम लीजिए और कल शाम को हमारे घर पर आओ। मम्मी से तो मैं बात कर छोड़ूंगी मगर डैडी के सामने तो तुम्हें को जबान खोलनी पड़ेगी। अच्छा लेकिन लेकिन अगर उन्होंने मेरी जबान खींच दी तो? जबान तो नहीं मगर तुम्हारे कान जरूर खींचेंगे। बुलबुल कहीं के बोलो आ गए ना? जिंदा रहा तो जरूर आऊंगा। बलदेव बाबू आए हैं सरकार, उन्हें यहीं भेज दो। अरे तू कहाँ चली? मैंने कहा जरा थोड़ी देर तमाशा हो जाए, समझी? आओ आओ बलदेव बेटा। पायला भी चाहता जी, पायला भी चाहता। जीते रहो, तुम बैठो। और सुनाओ कैसे आ रहा हूँ? जी मैं दरअसल जी मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। अजीब इत्तेफाक है, हम भी आज तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने वाले थे। तो फिर कहिए। बात यह है कि रेखा आपसे आनी हो चुकी है, सोचता हूँ कोई दिन में उसके हाथ पीले कर दूं, तुम्हारा क्या ख्याल है? जी मेरा बहुत अच्छा ख्याल है। तो फिर बताओ कोई लड़का? जी लड़का? अरे भाई लड़का तो मैं देख चुका हजारों में एक। अच्छा तो फिर मैं चलूं? बैठो भाई, चाय तो पीकर जाओ। और फिर हमने अभी उस लड़के से बात पक्की भी तो नहीं की, तुम्हारी नजर में रेखा के लिए कोई और लड़का हो तो बताओ। जी जी आपका आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? बलदेव तुम्हारी यह जुर्रत, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। जुबान खोलने से पहले सोच तो लिया होता कि तुम किससे बात कर रहे हो। मुझे माफ कर दीजिए। हरगिज नहीं, तुम्हें सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। मैं कल ही तुम्हारे पिताजी से मिलकर तुम्हारे और रेखा के पांव में बेड़ी पहनाने का मुहूर्त निकलवाता हूं।
दीवान साहब। बेटा हम तो कब से तुम्हें पसंद कर चुके हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारी तहजीब और कल्चर बीमारी के नुस्खे नहीं जो बदले जा सके। रिश्ते के लिए हमेशा लड़की वाले ही लड़के वालों के यहाँ जाते शोभा देते, समझे? जी। अब तुम जा सकते हो। जी जी। और सुनो। जी। शादी के पहले अगर इस घर में कदम रखने की कोशिश की तो। जी मैं बिल्कुल समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। सॉरी सॉरी। नमस्ते अंकल, कैसे हैं? रेखा कहाँ है? नमस्ते, अच्छा हूँ। रेखा उधर है। अरे हुशा, तुम आखिर ये चक्कर क्या है? आने वाले आकर चले गए और जिसके लिए आए थे उसे खबर तक नहीं थी। वो मुझसे मिलने थोड़े नहीं आए थे, वो तो मम्मी और डैडी से मिलने आए थे। अच्छा, तो बात यहाँ तक आ पहुँची, आखिर फैसला क्या हुआ? आप सोच क्या रहे हैं दीनानाथ जी? क्या आपको इस रिश्ते में कोई एतराज है? राम 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 राम। ये आप कैसी बात करते हैं दीवान साहब? मैं तो सोच रहा था कहीं ये सब कुछ सपना ना हो। कहां आप, कहां हम? दीवान साहब, आप जो मुझे सम्मान दे रहे हैं, मैं अपने आप को इसके योग्य नहीं समझता। आप ऐसे क्यों सोचते हैं? इंसान की कीमत उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसकी काबिलियत से होती है। काबिलियत से दौलत पैदा की जा सकती है, लेकिन दौलत से काबिलियत पैदा नहीं की जा सकती। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसा भला घर और इतना काबिल लड़का मिल रहा है। लाला जी, आज से लड़का हमारा हुआ। आओ बेटे, आओ आओ, लो ले लो ले लो। जी तेरा बधाई हो लाला। आपको भी बधाई हो, आपको भी बधाई हो। अच्छा मुझे याद है, नमस्ते जियो भैया, जियो 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 भैया। अरे माँ, आज के रोज पागल नहीं होगा तो दुनिया वाले मुझे पागल कहेंगे। पागला, शहरों में तुम दोनों के लिए नाश्ता ले आती हूँ। अरे भैया, सचमुच बहुत लकी हो, उधर डॉक्टरी पास की, इधर कंप्यूटर मिल गया। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अच्छा भैया मैं चल। अरे कहाँ जा रहे हो, नाश्ता नहीं करोगे? नहीं भैया, आज तो नाश्ते की बिल्कुल जरूरत नहीं। अच्छा नहीं, क्यों नहीं? भैया को भूखा रखना चाहता है? अच्छा भला जानता है बलदेव तेरे बगैर कभी नहीं खाएगा। अरे माँ, मैं भी कब बलदेव भैया के बगैर खाना खाता हूँ? लो भैया पकड़ो। अच्छा भैया मैं चलूँ, मुझे कॉलेज से देर हो रही है। बच्चू, कॉलेज से देर हो रही है आशा को मिलने को? आशा कौन? आशा माँ, आशा पारेख माँ, बड़ा अच्छा काम करती है। आज उसकी नई पिक्चर लगी है माँ। अरे क्यों रे बलदेव, क्या बात है? कुछ नहीं माँ, वो नई फिल्म लगी है ना। हाँ शीला, आशा कहाँ है? वो आ रही है। आशा, तुम आशा हो या तमाशा, एक ही कॉलेज में पढ़ती हो, सारा दिन नजर नहीं आती। वो तो अच्छा हो रात को सपने में मुलाकात होगी, वरना तुमने तो मुझे मार ही डाला था। और देखो, आज शाम को उस बताई हुई जगह पर जरूर मिलना। मिलूंगी बाबा, मिलूंगी, अब तुम मुझे जाने दो। जानती हो सपने में मैंने क्या देखा? जैसे तुम अपनी मृग जैसी आंखें, सुराहीदार गर्दन, नर्म नाजुक कमर के साथ बल खाती इथलाती मेरी तरफ बढ़ी आ रही, और मैंने बेख्तियार होकर तुम्हारी मलाई जैसी कलाई को थाम लिया। देसी इलाज का बादशाह हकीम विलायती राम, सुपुत्र हकीम खैराती राम, सुपुत्र हकीम हिमायती राम, ए बी सी डी ई एफ जी एच वगैरह वगैरह, मर्दाना जनाना बचगाना, हर किस्म की बीमारी के शर्तिया इलाज का आखिरी ठिकाना, मौत के मुंह से छुड़ाने वाला दवाखाना। ऐसे हकीम तो बहुत से देखे। कमाल है हकीम जी, आप एक ही वक्त में दो दो नब्जे कैसे देख लेते हैं? अरे मूर्ख, जरूरत पड़ने पर दो तो क्या, हम चार नब्जे भी देख लेते हैं हिकमत के रूप से। वो कैसे? अरे भाई, भगवान ने पांव किस लिए दिए हैं? दो की हाथों से और दो की पांव से। धन्यवाद। खामोश। नजला, खांसी, हजारी, नजरे का टोटका नंबर 12 देता हूँ। गुलजारी,
खांसी का टोटका नंबर 26 देता हूँ। आजा बेटी, तू कहीं बाहर जा रही है? मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ बाबूजी। तेरी माँ तो तू जानती है हर वक्त मंदिर में बैठी रहती है, जाते जाते एक छोटा सा नुस्खा कूटती जाए एक मत्ती रूह से, जायफल जावत्री उन्हा लसूड़िया नीलोफर मुनक्का इलायची खुद इलायची कला सौंफ मुलट्ठी सब इकट्ठी पांच पांच तूले पीस कर उसका जरा पाउडर बना दे एक मत्ती रूह से। मगर बाबू जी ये पाउडर बनाते बनाते तो सुबह हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, मुझे भी पाउडर सुबह ही चाहिए। लेकिन मेरी सहेली मेरी राह देख रही होगी ना? वो राह देखते देखते यहाँ आ जाएगी, उसे भी काम पर लगा देना एक मत्ती रूह से। बाबू जी दुकान बंद करें गुरुदेव। हाँ कर दो। मगर आज की बिक्री? आज की बिक्री 30 रुपए और 2 आने। और पहला रुपए 30 रुपए और निकालिए गुरुदेव तो हमारी 8 महीने की बकाया तनख्वाह में से 1 महीने की तनख्वाह आ गई। तनख्वाह? ये किस बीमारी का नाम है? अबे ओ कमीनों, निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम जैसे बेसब्रों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नमक हरामो, मेरा नमक खाकर मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। वो वक्त भूल गए जब मैं तुम दोनों को यतीम खाने से उठा कर लाया था, मैंने अपने खून पसीने की कमाई से पाला तुम दोनों को। आपका तो पसीना ही बहा होगा गुरुदेव, खून तो हमारा निचड़ गया है हमारा। जिनको आपने उनकी सीधी दवाइयां खिलाकर इंसान से लेबोरेटरी बना दिया। जब यहाँ आए थे तो 2 मन की बोरी यूं उठा लिया करते थे, मगर आज अपने आप को उठाना मुश्किल हो गया है। अरे तुम क्या उठाओगे अपने आप को, तुम दोनों को तो अब भगवान ही उठाएगा एक मत की रूह से। निकालो रुपए। रुपए कैसे? दवाइयां हम कूटे, दूध हम बोले, ग्राहक हम पुसा के लाए और अब मजे उड़ाए। आखिर ये कहाँ का इंसाफ है? संभालिए अपनी दुकान, चल गुलजारी। मैं भी देखता हूँ हम जैसे कुर्बानी के बकरे कहाँ से मिलते हैं आपको। अरे ठहरो 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 ठहरो, अगर तुम लोगों को जाना है तो आज अपने हाथों से मुझे सुखिया देकर जाओ। के बच्चे, अरे कमीनो, 12 बरस मेरे पास रहकर भी तुम लोगों ने मुझे नहीं पहचाना। मैं रुपयों का भूखा नहीं हूँ, मैं मोहब्बत का भूखा हूँ, मोहब्बत का। रुपए तो क्या होते हैं, ये आने भी तुम रखो और आज ऐश लो, सलमा विलमा देखो हिकमत की रूह से। हिकमत की रूह से। देखता हूँ ना, ये तो बहुत तेज चल रही है। गुलजारी नंबर 9 टूट टूट के ये चुटकी दे दो। गुलजारी क्या होता है बाप को, मर क्या? तो मेरा कोई दोष नहीं, मेरा कोई दोष नहीं, मेरा कोई दोष ये तो किसी नीम पागल की नब्ज है, मेरे पास तू ले आओ, पागल खाने ले जाओ, मेरे पास कोई इलाज नहीं, मेरे पास कोई इलाज नहीं इसका। चन्नी, ए चन्नी, कहाँ हो तुम, क्या सोच रहे हो? सोचने से क्या होता है जी, ये तो अपनी अपनी किस्मत है। किस्मत? किसकी किस्मत? अपने बलदेव भैया की। नजर मिली, दिल मिले, मुलाकात हुई, बात हुई, शगन हुआ और अब लगन की तैयारी है। और एक हम हैं कि गोलू के बैल की तरह वहीं चक्कर काट रहे हैं। काटने वाले तो मोहब्बत में पहाड़ भी काट देते हैं जी। मगर जिस गरीब से एक रात भी ना कट सके वो क्या करे जी। इतनी बेसब्र हो तो लड़की के बाप से क्यों नहीं बात करती? किसके बाप से बात करें, कोई लड़की भी तो हो नजर में। चलने क्यों, वह है तुम्हारी नजर में? है तो सही। तो फिर बताओ ना। मगर तुम उसके काबिल नहीं। अच्छा जी, अब हम तुम्हारे काबिल ही नहीं रहे। ऐसे ना देखो, मुझे शर्म आती है। हमें तो शौक है जी भर के तुमको देखेंगे, तुम्हें है शर्म तो आंखों पे हाथ धर लेना। चलिए हटाओ अपनी निगाहें।
निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैं निगाहें चाह रही थी तेरी महकी हुई जुल्फों की घटा तेरी आंखों ने, तेरी आंखों ने पिला दी तो मैं पीता ही गया, तावा 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 वो नशा है के बताऊं कैसे, मैं निगाहें मेरी आंखों में गिले शिकवे है और प्यार भी है आरज़ूएं भी है और हसरत दीदार भी है, इतने तूफान तूफान इतने तूफान मैं आंखों में छुपाऊं कैसे, मैं निगाहें शरारत से ना बाजाएगी कभी रूठेगी, कभी रूठेगी कभी मिलके पलट जाएगी, तुझसे निभ जाएगी निभ जाएगी उसे निभ जाएगी, मैं इनसे निभाऊं कैसे, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैं निगाहूं। ओह, बहुत देर हो गई, अब चलना चाहिए। बैठो रेखा, ऐसी भी क्या जल्दी है? बड़े बेसब्र हो, शादी में अब दिन ही कितने बाकी हैं? पूरे 5 दिन और 4 रातें। हाँ तो शरीर कहीं के मैं पिक्चर देख कर आ रहा हूँ, कहीं और से नहीं आ रहा। मा, 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 मैं भी पिक्चर देख रहा हूँ, कहीं और से नहीं आ रहा हूँ। इतनी रात गए आवारागर्दी करते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? भैया तुम्हें भड़ाते में आवारागर्दी करते शर्म नहीं आती तो मुझे जवानी में क्यों आए? किसे कहा बूढ़ा? वही जिसकी बहुत जल्द शहनाइयां बजने वाली हैं।
कितना खुश नसीब है दीनानाथ, जो इतने बड़े घर में रिश्ता हुआ है। हाँ भाई, इसे कहते हैं किस्मत की देन। यकीन नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें पा लिया है। क्यों? तुम दिल में सोचती होगी कि मेरा प्यार तुम्हें कहां से कहां ले आया। ये आप क्या कह रहे हैं? कहां वो तुम्हारा आलिशान बंगला और कहां ये गरीब की कुटिया। तुम्हें गर्मी लग रही होगी, पंखा भी तो नहीं है इस घर में। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए पंखे का इंतजाम करता हूँ। ठहरिए, आप यहाँ बगैर पंखे के रहते हैं ना? हाँ हाँ, लेकिन तो फिर मैं क्यों नहीं रह सकती? रेखा, ये तुम्हारा बड़ापन है, वरना मैं तो ये महसूस करता हूँ कि तुम आकाश से धरती पर आ गई हो। और मैं ये महसूस करती हूँ कि मैं धरती से आकाश पर पहुंच गई हूँ। और फिर आज का दिन तो हमारी जिंदगी का सबसे सुनहरा दिन है। दिन नहीं, रात। मैं झाड़ू लगाती हूँ। अरे नहीं बहू, ये कैसे हो सकता है? नवी नवेली बहू को भला कोई काम पे लगाता है? लाइए ना माँ जी, मैं इन पुरानी बातों को नहीं मानती। मैं झाड़ू लगाती हूँ, आप नाश्ता बना लीजिए। माँ के हाथ का नाश्ता खाते खाते तो हम बूढ़े हो गए। आज तो हम अपनी भाभी के हाथ का नाश्ता करेंगे। क्यों भाभी, आज हो जाए कुछ मूली वाले पराठे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बड़ा आया हुकुम चलाने वाला, खुद सेवा करने के बदले उल्टा भाभी से सेवा कराता है। माँ सुना नहीं, कर सेवा खा मेवा। क्यों भाभी, सेवा होगी तो मेवा जरूर मिलेगा। चल शरारती कहीं काम कर। रेखा, जरा सुनो तो। जी आई। जो ऐसी सुशील बहू आई है हमारे घर में, इतने बड़े घर की बेटी होते हुए भी जरा गुमान नहीं। क्यों नहीं माँ, आखिर भाभी किसकी है? मेरी। तुम कुछ भी कहो रेखा, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ कि घर में कोई नौकर नहीं, मगर खुद नौकरों की तरह काम करके मुझे और शर्मिंदा न करो। ये कैसे बातें करते हैं आप? भला अपने घर का काम करते हुए कोई नौकर कहलाता है? और फिर माँ जी का हाथ बताना तो मेरा फर्ज है। ओफो, माँ को तुम नहीं जानती। अरे घर का काम करना तो उसकी हॉबी है, हॉबी। और फिर तुम ये क्यों भूल रही हो कि तुम्हारा आज का नाश्ता मेरे ससुराल में। अच्छा बाबा, अभी आती। अरे फिर वही बात, इस तरफ कहाँ जा रही हो, जाके जल्दी से तैयार हो जाओ ना। अरे दीवान साहब इंतजार करते होंगे। प्लीज कम ऑन, प्लीज स्पोर्ट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हाँ तो बेटे, हमने तुम्हें यह जानने के लिए बुलाया है कि कामकाज के बारे में तुमने क्या सोचा है। जो भारत मिल है ना, उसमें एक मेडिकल ऑफिसर की जरूरत है। उम्मीद है कि ये नौकरी मुझे बहुत जल्द मिल जाएगी। तनख्वाह भी बड़ी माकूल है, 500 रुपए। तनख्वाह चाहे 500 रुपए हो या 5000, नौकरी फिर नौकरी है। अगर मेरी मानो तो एक शानदार डिस्पेंसरी और मेडिकल स्टोर खोल। मेरी भी यही राय है। और डैडी, मेरी भी यही राय है। जी ये तो सब ठीक है,
लेकिन इसके लिए मेरा मतलब है कि वो मेरी जेब में है, साइन मैंने कर दिए हैं जितनी जरूरत है भाई जी, मगर ये शुभ काम में अगर मगर नहीं किया करते। रेखा बेटी, डिस्पेंसरी के लिए कोई अच्छा सा नाम सोच। नाम सोच लिया डैडी, एंड मेडिकल स्टोर। दैट्स अ गुड नेम, आई लाइक इट। तुम भी खाओ माँ, मुझे तो इतने आदमियों में मुँह चलाते शर्म आती है। आज के दिन मुँह मीठा निकालोगे तो कब करोगी? अब हमारा बलदेव बहुत बड़ा आदमी हो गया। खा 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 आओ। मिस्टर विलियम, ही इज द प्राउड फादर ऑफ माय सन इन लॉ। माय सिंसियरेस्ट कंग्रेचुलेशन। आप यहाँ क्यों खड़े? चलिए भाई साहब अंदर चलिए। चलिए बहन जी, चलिए ना। क्यों मेरी बिल्लो रानी, आज पेट पूजा के लिए क्या बनाया है? हरर, भेड़े, आमले, लौंग, इलायची। होश में तो हो। होश में रहने कहाँ देती है तुम्हारी आंखों पहर की मुसीबत। इससे फुर्सत मिले तो चूल्हे चौकी की भी सोचूं। मैं तो तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी ये घास फूस कूटते जानते। देख मेरी मुलट्ठी, मुझे जितना जी में आया कोस, मगर मेरी रोजी को ना कोस। ये धंधा तो ऐसा है कि कमाई की कमाई और पुण्य का पुण्य। पुण्य कैसा? हाँ, शहर की भोली भाली और गरीब जनता को डॉक्टरों के पंजे से छुड़ाना, कौड़ियों में ला इलाज बीमारियों का इलाज करना, पुण्य नहीं तो और क्या पाप है हिकमत की रूह से। और फिर तुम्हारी दुआ से मेरे हाथों में हाय हाय वो बरकत है, वो बरकत है कि जिस किसी ने भी एक बार दवा मेरे हाथ से ली अव्वल तो वो कभी लौटा ही नहीं, और अगर गलती से लौट भी आया हाथ तो फिर हाथों में फूलों की टोकरी और मिठाई के हार, थक तेरे की मिठाई की टोकरी और फूलों के हार लेकर आया। हकीम जी, हकीम जी, हेलो, आगे मिठाई। अब तुम जल्दी से एक चाय का प्याला फटाफट फर्स्ट क्लास बनाकर बाहर ले आना। चाय पीकर मुझे वो नुस्खा सूझता है कि पूछो नहीं, मुर्दे में भी एक बार, तेरे में भी एक बार जान पड़ जाए। बोला राम, बैठो। उतर गया तुम्हारे बच्चे का बुखार? बुखार और तेज हो गया आपकी दवा खिलाने से। बदन आग की तरह तप रहा है। हाँ, बदन आग की तरह तप रहा है, ये कैसे हो सकता है? अभी तक तो बदन बर्फ की तरह ठंडा हो जाना चाहिए था। अरे भाई, दवा किसके साथ थी? चाय के साथ। हाँ, खुद मौत के मुंह में जाते हैं और फिर हकीम के पास भागे आते हैं। भाई, किस गधे ने कहा था चाय के साथ देने को? आप ही ने तो कहा था। मैंने कहा था भैया, हमने चाय के साथ थोड़े कहा था, हमने तो ये कहा था कि चाय के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। अरे मेरे भाई, ये चाय बड़ी नामराज चीज है, ये तो अच्छे भले इंसान का खून चूस जाती है। अजी चाय। अच्छा जी, अब चाय घर में जाए। मुलट्ठी, तू मुलट्ठी नहीं, संखिया है चाय, और मेरे घर में जा। दफा हो जाए यहाँ से, दफा हो जाए, मैं कहता हूँ, चली जाए यहाँ से। ज्यादा चाय पीने से खुशकी चढ़ गई है दिमाग को। हजारी गुलजारी, कमर तोड़ नुस्खे का 36 नंबर का टोटका इनको दे दो। मेरी मुलट्ठी रूठ गई। देखो, वो तो दुकानदारी थी, दुकानदारी, चाय की प्याली फेंके ही बनती थी। अब जरा उठो, उठो और जाकर अपने शुभ हाथों से चाय बनाओ, इकट्ठे पिए। बनाऊं काहे से, चाय की पत्ती तो मैंने नाली में फेंक दी है। वारी बुलाती राम की देसी बीवी। क्या अरे
अरे ये किससे क्या है? क्या हुआ? न जाने किस बदतमीज ने साइकिल की हवा निकाल दी। हवा निकाल दी? खुदा बचाए इन कॉलेज के लड़कों से। ठहरो मैं अभी देखता हूं। तो ये मेहरबानी हजूर की है। आशा दरअसल बात ही है, मैंने सोचा इसी बहाने अकेले में बात करने का मौका मिलेगा। तो करो ना अकेले में बात, कौन रोकता है, मैं चली। गलती होगी बाबा, माफ कर दो। चलो इसी साइकिल पर दोनों चलें। मुझे न तुम्हारी जरूरत है न तुम्हारी साइकिल की। भगवान ने मुझे पांव दिए, मैं अकेली जा सकती हूँ। कभी ठेला के चलते हो? कभी बल खा के चलते हो? कभी इतला के चलते हो, कभी बल खा के चलते हो, भला जी कैसे जिएंगे दुनिया वाले, हो दुनिया वाले, हो दुनिया वाले, हो दुनिया वाले, हो दुनिया वाले। जो करना है वो कर लो जी, चलेंगे हम तो ऐसे ही, हमारा क्या है, मरेंगे दुनिया वाले, हो दुनिया वाले, हो दुनिया वाले, हो दुनिया वाले, हो दुनिया वाले। कभी बिठला के चलते हो, कभी बलखा के चलते हो। शोख अदाए क्या कहने, ओ आजा बहना तू प्यार के कहने। तेरी शोख अदाए क्या कहने, नी आजा बहना तू प्यार के कहने। तेरे प्यार से जाने मैंने बहने, तो जाने मुझे क्या क्या कहेंगे दुनिया वाले। लग के चलते हो, कभी पल खा के चलते हो, भला जी कैसे जिएंगे दुनिया वाले। कभी लग के चलते हो, कभी पल खा के चलते हो। आँखों के जब मैं खाने खुले हैं, फिर तो आके पियेंगे दुनिया वाले। जो करना है वो कर लो जी, चलेंगे हम तो ऐसे ही, हमारा क्या है, मरेंगे दुनिया वाले। कभी इतला के चलते हो, कभी पल खा के चलते हो। कैसी पौधे न रिहाई, ओ मुझे जीने न देगी जुदाई। अपने कैदी तो दे न रिहाई, ओ मुझे जीने न देगी जुदाई।
के चलते हो, कभी पल खा के चलते हो, भला जी कैसे जिएंगे दुनिया वाले। जो करना है वो कर लो जी, चलेंगे हम तो ऐसे ही, हमारा क्या है मरेंगे दुनिया वाले। ओ दुनिया है वाले, ओ दुनिया है वाले, ओ दुनिया वाले, दुनिया कभी दिखला के चलते हो, कभी पल खा के चलते हो, भला जी कैसे जिएंगे दुनिया वाले। आशा आशा सुनो तो, बस करो बहुत थक जाओगी, ये रोग तो अब शरीर के साथ ही जाएगा। ऐसा ना कहिए माँ जी। अब कैसी हो माँ? ठीक हूँ बेटा। अरे रेखा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, क्या डॉक्टर शुक्ला के यहाँ खाने पर नहीं चलना? आप हो आइए, मैं माँ जी को छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। मगर रेखा वो डॉक्टर, मेरी चिंता न करो बहू। हाँ बहू, तुम बलदेव के साथ खाओ, मैं जो हूँ घर पर। मगर चन्ने कहाँ चला गया? वो कॉलेज के पिकनिक पर गया हुआ है, आते ही होगा। पिकनिक पर? पिताजी आज जब चन्ने घर में आए तो उसके कान खींचेगा, बहुत आवारा गर्द हो गया है। आओ रेखा। जाओ बहू जाओ। आ गया बेटा, बड़ी देर कर दी। ओ पिताजी, रास्ते में मेरी साइकिल पंक्चर हो गई। अच्छा अच्छा, माँ कहाँ है? क्या बताऊँ बेटा, लाख समझाने पर भी बीमारी की हालत में खाना पका रही है। ये माँ भी कमाल करती है। अच्छा आराम कर रही है, इसलिए कि बेटा डॉक्टर है, मुफ्त इलाज हो जाएगा। चलो उठो भाभी, खुद बनाएगी खाना। भाभी? अरे ओ भाभी। अरे वो यहाँ होती तो मुझे रसोई घर में आनी भी देती। बलदेव और बहू किसी के यहाँ खाने पे गए हैं। इधर घर में माँ बीमार है, उधर दांत उड़ाने की सूझी है, कम से कम भाभी तो घर पे रहती। चल क्या बातें बना रहा है, मुझे खाना बना। देख माँ, अगर तुमने इस हालत में खाना बनाया तो तुम्हारी कसम जो छू भी जाऊं खाने को, भूखे पेट सो जाऊंगा। चन्नी? चन्नी का हाजमा इतना तेज नहीं माँ कि तुम्हारे तकलीफ में बनाए हुए खाने को हजम कर सके। चलो बिस्तर पर, मैं खुद बना लूंगा। तुझे खाना बनाना आता कहाँ है? जरूरत सब कुछ सिखा देती है माँ, अब फूट यहाँ से नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। चलो 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 जल्दी। कैसा दिन चढ़ा है, पहले आउटडोर में परेड हुई, अब इनडोर में ड्रिल होगी। हो जा बेटा चालू। किस सोच में पड़े हो जी? मुझे तो एक ही सोच खाया जा रही बलदेव की माँ, कि किसी भी तरह मकान का खर्चा उतर जाए। इसमें चिंता की क्या बात है, आपने बलदेव से नहीं कहा? बातों ही बातों मुझसे कई बार कर चुका हूँ, मगर न जाने उसने कुछ खास ध्यान ही नहीं दिया, और इधर खुशी राम ने पैसों के लिए तकाजा भी शुरू कर दिया। घबराइए नहीं, आज मैं बलदेव से बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते चाची जी। आओ आशा बेटी। चन्नी कहाँ है? मेरी एक किताब रह गई उसके पास। वो रसोई घर में है। रसोई घर में खाना खा रहा है? खा नहीं रहा है, आज बना रहा है। बना रहा है? हाय मुंडू, चन्नी बाबू कहाँ है? अच्छा जी, तो मैं मुंडू हूँ। हाय राम, तो ये तू हो? जी हाँ। ओह छोड़ो छोड़ो ना मुझे, नहीं तो मैं रो दूंगी। मैं भी तो तमाम रास्ता तुम्हारी जान को रोताया। चाची क्या है बेटी? कुछ नहीं माँ, वो नमक कहाँ रखा है? मैं आती हूँ। नहीं माँ, मिल गया, तुम्हारे आने की कोई जरूरत नहीं। न हुआ इस वक्त कैमरा, वरना बच्चियों को डराने के लिए तस्वीर अच्छी थी। तुम भी तो डर गई थी। मैं भी तो बच्ची हूँ ना। बच्ची? जला दी ना रोटी, ये काम मर्दों का नहीं, मैं पकाती हूँ, तुम बैठ के खाओ।
तुम पकाती रहो मैं खाता रहूं, तो मजा जीने का और भी आएगा, तो मजा जीने। अरे आशा बेटी तू क्यों तकलीफ उठा रही है, ये भी तो मेरा ही घर है माँ जी। देखो माँ इसे कहते हैं आग लेने आई थी और घर की मालकिन बन बैठी। चल शरीर कहीं का, और ये क्या क्या हुलिया बना रखा है। छोड़ो ना माँ, तुम जल्दी से थाली ला दो, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। अरे ये सब तू क्यों कर रहा है, बहू कहाँ है। वो सो रही है माँ। इतनी देर तक घरों में जगा दी। ना ना माँ सोने दो सोने दो। सवाल न सोने का है न चांदी का, सवाल तो केवल दस दस के दो पत्तों का है। क्या मतलब। वाह माँ भूल गई अपना वादा, तुमने तो कहा था जब बलदेव भैया डॉक्टर बनेगा तो मुझे हर महीने 20 रुपए जेब खर्च दिलवाओगी। तो फिर मुझे क्या कहते हो, मांग लो अपने भैया। अरे भैया जी आउट विथ 20 रुपीज। भैया नया टैक्स कैसा। अरे कॉलेज के जमाने में तो मुझे 20 रुपए साल के कभी नहीं मिले। तुम्हें इसलिए नहीं मिले कि तुम्हारा कोई बड़ा भाई डॉक्टर नहीं था, अंडरस्टैंड। नाउ प्लीज हरी अप, डोंट वेस्ट माय टाइम, गेट मी 20 रुपीज। प्लीज प्लीज 5 रुपए भाभी से लेते आना। और गुड मॉर्निंग रेखा। गुड मॉर्निंग। मैंने कहा रेखा वो चन्नी 20 रुपए जेब खर्च के लिए मांग रहा है, तुम्हारी क्या राय। इन छोटी छोटी बातों के लिए मुझसे क्या पूछते हो। भाई बात बड़ी हो या छोटी, हमारा तो ये उसूल है कि हर बात घर की लक्ष्मी की मर्जी से ही होनी चाहिए। लो चन्नी। अरे कहाँ चला गया, अजीब आदमी है। अजी आता कैसे, उधर कॉलेज बंद, इधर तुम्हारा घर से निकलना बंद। जाए तो जाए मगर अजी अगर मगर देखकर ही प्रेम नगर में आया। तुम्हारी माता भी इस वक्त मंदिर गई है और तुम्हारे बाबूजी दोनों कबूतरों को साथ लेकर इस वक्त चोर बाजार गए हैं, ठीक है ना। वो तो ठीक है लेकिन अगर बाबूजी आ गए तो। अजी आ कैसे जाएंगे, उनके बाप का घर है क्या। ओहो इस वक्त तुम एक छोटी इलायची डालकर एक प्याला गरम गरम चाय ले आओ, चाय के साथ पापुर का मजा आ जाएगा। नहीं चन्नी मैं कहती हूँ तुम जाओ भगवान के लिए, कहीं बाबूजी आ गए तो जान निकालेंगे। जान इसके लिए तो मैं तैयार होकर आया हूँ मेरी जान। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए मेरी जान जाए। अरे यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए मेरी जान जाए। अरे तेरे दर पे आया तो बस आ गया मैं, न पीछे हटूंगा जमाने के डर से। अभी आ रहा हूँ अभी कैसे जाऊँ, मिला क्या है मुझको अभी तेरे दर से। जरा देख लूँ मैं ये रुख की बहारें, ये कद प्यारा प्यारा ये जुल्फों के साए। हाय यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए मेरी जान जाए। हाय गिला है यही मुझको तेरे खुदा से, हंसी जिसने इतना बनाया है तुझको। ना आता कभी तेरी गलियों में जालिम,
जला कर कोई शम्मा कैसे कहेगा कि देखो यहाँ पर ना परवाना आए आए यही है तमन्ना तेरे दर के सामने मेरी जान जाए मेरी जान जाए आए मोहब्बत में तेरी अगर मौत आए तो वो मौत कितनी हंसी मौत होगी किसी रोज में तेरा दामन पकड़ कर जो मर जाऊं क्या दिल नशी मौत होगी अगर कोई ऐसी घड़ी आ रही है तो मेरी दुआ है वो जल्दी से आए आए यही है तमन्ना तेरे दर के सामने मेरी जान जाए आए आए मेरे दवाखाने में हाय 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 कितनी शर्म की बात है मेरे लिए हमारे लिए भी अब क्यों बेटा करनी क्या तकलीफ है बात यह है कि हाँ बेटे यारों से माल और हकीम से हाल कभी नहीं छुपाते बताओ बताओ जी जी अच्छा तुम नहीं बताते तो हम तुम्हारी नबज से पूछ लेते हैं हिकमत की रूह से जोफे दिल जोफे जिगर जोफे नजर जोफे कमर दर्दरी दर्द गुर्दा नीम जिंदा नीम मुर्दा हजारी गुलजारी बांधो लौंग इलायची सुपारी तबाशीर बेनजीर अतरीफुल जमानी अजमुल खानी बह हमारा ताजा पानी चाची मेरी बात हम नबज की गहराई में जाते हुए और नुस्खा तजवीज फरमाते हुए अपने बाप की भी नहीं सुनते हिकमत की रूह से लो बाबू जी लो खा लो बेटा खा लो मगर चाचा जी मेरी बात सुनने में बिल्कुल ठीक हूँ वो तो जब हम यहाँ आए थे हम भी बिल्कुल ठीक थे दवाई ले लो चलो चलो जिद नहीं करो पानी अजी पागल हो गए हो अच्छे भले हट्टी कट्टी को बीमार बना रहे हो हट्टी कट्टी तो तुम भी हो मगर तुम्हें क्या बीमारियां ये हम ही जानते हैं हिकमत की रूह से हाँ बोल रही है अब बेटा घबराना नहीं बिल्कुल ठीक हो जाओगे कल सुबह तक ना तुम रहोगे ना बीमार जाएगी घबराना क्या खिला दिया कुछ नहीं ऐसी चीज खिलाई उससे खांसी हो रही है साहब बहादुर अभी तक आराम फरमा रहे हैं नहीं भैया आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है काम करने से ठीक हो जाएगी ये लो इनविटेशन कार्ड लिस्ट के मुताबिक इन पर नाम लिखकर इस पर से मिल जाना हाँ अरे चन्नी इतने सारे कार्ड कहाँ के हैं माँ अब तक दोस्तों की दावतें उड़ाता रहा हूँ सोचा कि मैं बदला चुका दूँ चंद दोस्तों को रात को खाने पर बुलाया अरे तो पहले क्यों नहीं बताया माँ अच्छा कोई बात नहीं मैं सब कुछ तैयार कर दूंगी देख दो तीन सब्जियाँ बहुत होंगी ना माँ मैंने उनको घर पर नहीं होटल में पार्टी दी मगर बेटा पहले तो हमेशा घर पे बुलाते थे पहले की और बात थी माँ अच्छा चन्नी हो सकते तो तुम भी पार्टी पर आ जाओ चन्नी ये आजकल अपने बलदेव को क्या हो गया कुछ बदल सा नहीं गया पैसा बड़े बड़ों को बदल देता है माँ भाड़ में जाए ऐसा पैसा जो आदमी को अपनी जिम्मेदारी भी भुला दे उस दिन मकान के कर्जे की बात की थी वो भी भूल गया उसे आजकल भाभी और ससुराल की सिवा सोचता क्या है अब फिर क्यों ना हो भाभी बड़े घर की लड़की है ना और फिर उसके बाप ने इतना बड़ा कारोबार खोल दिया है भैया वो उसका पानी नहीं भरेगा तो क्या मेरा भरेगा जो जेब खर्च के लिए भी उसका मोहताज माँ याद है उस दिन 20 रुपए के लिए कितना जलील किया उसने मुझे भाभी के सामने एक बात तो मैं भी देख रही हूँ कि आजकल बहू में भी वो बात नहीं रही तुम्हें बहुत चाव था ना बहू का हो गया पूरा शहर को परदेश तो तूने बना दिया है मैं दो बार आ चुकी हूँ यहाँ मगर तुमने नहीं
और सुना कैसे गुजर रही है ससुराल? ठीक है। ये तुम्हारा ठीक है कहना ही कह रहा है कि कुछ गलत है। तुम्हें मेरी कसम, सच कहो क्या बात है? क्या बताऊं उषा, अभी अभी तुम्हारे आने से पहले मेरी सास और देवर छुप छुप के मेरी बुराई कर रहे थे। अरे ये कोई नई बात नहीं। अच्छा ये बताओ कि जीजा जी तुम्हारा ज्यादा ख्याल रखते हैं या अपने माँ बाप का? मेरा तो वो इतना ख्याल रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं कि सबको भूल जाते हैं। तो फिर झगड़ा किस बात का, तुम भी सबको भूल जाओ? क्या मतलब? डार्लिंग मेरी एक तजुर्बे की बात पल्ले बांध लें कि औरत मर्द की परछाई होती है, जिधर मर्द उधर औरत। अगर जिंदगी सुख चैन से काटनी है तो अपने घर वाले के इशारों पर चल, नहीं तो ये क्लेश बढ़ेगा कम नहीं होगा। और फिर मेरे ये समझ में नहीं आता कि पढ़ी लिखी और इतनी बड़ी घर की होकर ये तो किस काल कोठरी में पड़ी है। अपनी पोजीशन के मुताबिक किसी बंगले में रहो, छोड़ो ये बूढ़ों का आश्रम। क्यों, मेरे लेक्चर का कुछ असर हुआ कि नहीं? शायद तुम ठीक ही कह रही हो। शायद नहीं, 100% ठीक कह रही हूँ। चलो अब उठो मेरे साथ बैडमिंटन खेलने। भला मैं इन दिनों कैसे खेल सकती हूँ? ओ आई सी, अब तो तुम्हारे खेलने के लिए खिलौना आ रहा है। अच्छा मैं चलती हूँ, शाम को तुम्हारी पार्टी में मुलाकात होगी, बाय। मेरे इस तजुर्बे की बात पल्ले बांध लें कि औरत मर्द की परछाई होती है, जिधर मर्द उधर औरत। अगर जिंदगी सुख चैन से काटनी है तब तुम घर वाले के इशारों पर चल, नहीं तो ये क्लेश बढ़ेगा कम नहीं होगा। और फिर मेरे ये समझ में नहीं आता कि पढ़ी लिखी और इतनी बड़ी घर की होकर ये तो किस काल कोठरी में पड़ी है। अपनी हैसियत के मुताबिक किसी बंगले में रहो, छोड़ो ये बूढ़ों का आश्रम। चलिए तू बलदेव भैया की पार्टी में नहीं गया? बड़े लोगों में छोटे लोग शोभा नहीं देते माँ, और फिर आजकल बलदेव भैया को मेरे बगैर खाना हजम भी तो हो जाता है। रही आज की पार्टी? ब्यूटीफुल। मगर चन्नी क्यों नहीं आया? वो हमसे नाराज है, खास तौर पर मुझ पर। मगर क्यों? आज सुबह वो माजी के कान भर रहा था, कह रहा था कि भैया भाभी के इशारों पर नाचता है। उसकी ये जुरत? एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं बोलो। अगर हम कहीं और रहने का इंतजाम कर ले तो? रेखा तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी, मैं कल ही जाकर कोई अच्छा सा बंगला देखता हूँ। कोई और हुक्म? बाकी बंगले में जा। अरे बलदेव तुम अभी तक डिस्पेंसरी नहीं गए? पिताजी दरअसल बात यह है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। कहो। वो डिस्पेंसरी के नजदीक ही लाला काशीराम जी का बंगला है ना, वो मैंने देखा है, किराया भी कुछ ज्यादा नहीं। आपकी इजाजत की जरूरत है। और इसमें इजाजत की क्या जरूरत है, तो बहुत खुशी की बात है। अरे वो बंगला तो मैंने देखा हुआ है, बहुत खुला है, हम लोग उसमें बड़े आराम से रह सकते हैं। लेकिन एक बात है, हम बंगले में जाकर अपने इस जद्दी मकान को नहीं छोड़ेंगे। और हाँ बेटा, अब तो भगवान ने सब कुछ ठीक कर दिया है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मकान का कर्जा चुका ही तो अच्छा है। वो तो सब ठीक है पिताजी, लेकिन दरअसल ये बंगला मैंने अपने और रेखा के लिए। तो क्या तुम हमसे अलग होना चाहते हो? तो क्या हुआ, अब हमारे बलदेव की पोजीशन ऊंची हो गई है, इसका रहन सहन भी ऊंचा होना चाहिए ना। तुमने ठीक ही सोचा बेटा, ठीक ही सोचा।
क्या बात है माँ? क्या बताऊ बेटा, बलदेव और बहू अब हमसे अलग रहना चाहते हैं। क्या कहा? हाँ, बलदेव ने अब बंगला ले लिया है। नहीं माँ, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। क्या ये सच है कि तुम घर छोड़कर जा रहे हो? हाँ हाँ, मगर आखिर वजह क्या है? तुम तो जानते हो चन्नी कि ये घर हम सबके लिए अब जरा तंग पड़ता है। मकान तंग चलता है भैया, मगर इंसान का दिल खुला होना चाहिए। जानते हो मां और पिताजी के इस बात से कितना दुख हुआ है? अरे ये तुम क्या कहते हो, पिताजी ने तो मुझे खुद इजाजत दी है। मगर किस दिल से इजाजत दी है ये शायद तुम्हें नहीं मालूम। भैया मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, हरगिज नहीं जाने दूंगा। चलिए क्यों? इसका जवाब अपने दिल से पूछा होता। भैया इकट्ठे रहने में जो बरकत है वो जुदा होने में नहीं। जरा सोचो, जिस घर में हम पैदा हुए, जिसके आंगन में हमारा बचपन बीता, उस घर को क्यों कर छोड़ा जा सकता है? चन्नी चन्नी, और फिर क्या हमारे माँ बाप ने हमें पाल पोस कर इसी दिन के लिए बड़ा किया था कि जब उनकी सेवा करने के दिन आए हम उन्हें छोड़कर अलहदा हो जाए? कैसी बातें ले बैठे हो चन्नी, हम अलग होकर किसी दूसरे शहर तो नहीं जा रहे, और फिर चार ही कदम का तो फासला है। मगर मुझे डर है भैया, ये चार कदम का फासला कहीं सैकड़ों कोस का फासला न बन जाए, और फिर लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या समझेगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। माँ बाप का दिल ना तोड़ो, अपना ख्याल बदल दो भैया, अपना ख्याल बदल दो। पागल कहीं का, अरे मकान बदल लेने से दिल तो नहीं बन जाते। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। क्यों? बहुत बड़े आदमी हो गए हो तुम, जो इतना खींचे खींचे रहने लगे। ऐसा ना सोचो आशा, मुझे दरअसल इन दिनों कुछ घर की परेशानियों ने घेर रखा है। परेशानियां कैसी? बलदेव भैया के लैदा हो जाने से मुझे इंसानियत पर कुछ भरोसा नहीं रहा। हम दोनों आपस में भाई कम थे और दोस्त ज्यादा। आशा मुझे अब ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा प्यार यतीम हो गया हो। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? भाभी की बदौलत। औरत आदमी को इतना बदल सकती है कि मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम्हारा दुख समझती हूँ, मगर इसका इलाज आहें भरना नहीं बल्कि हिम्मत से इसका मुकाबला करना है। अगर छोटी छोटी बातों से हौसला हारते रहे तो पहाड़ जैसी जिंदगी का सामना कैसे करोगे? और फिर तुम्हें काय का दुख, मैं जो हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारा दुख बढ़ाने के लिए। आशा चलिए एक चीज मांगो दोगे? क्या? आज से अपनी आंखों के सब आंसू मुझे दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो। इन आँखों का हर एक आँसू
हर शय जो तुम्हें दुख दे मुझे मेरे सुना दे दो अगर मुझे मोहब्बत है तो एक दिन सबको है नबर सिखा नबर बहुत तेज चल रही है क्या खाया था अजी गलती से रात को जली हुई रोटी खा बैठा हर दारे इसकी आंखों में एक भीम सैनी सुरमे का सुर मचू हकीम जी ये क्या दर्द पेट में दवा आंखों में मेरी आंखें तो ठीक है हकीम जी अबे अकल के अंधे आंखें ठीक होती तो जली हुई रोटी क्यों खाता है हिकमत के रूस है गुलजारे दर्द विनाशक चूर्ण की एक पुड़िया हकीम जी ये सुरमा है तो बारूद मुंह खोलो हकीम जी पैसे कितने हुए चार आने चूर्ण के दो आने सुरमे के छह आने सुरमचू के कुल बारह आने ये लो बाकी दे तो अबे मूर्ख फिर भी तो कभी आओगे अपने हिसाब में जमा रहने से हिकमत के रूप से मान गए गुरुदेव मान गए दुकानदारी करना तो कोई आपसे सीखे चूर्ण के साथ सुरमा सुरमे के साथ सुरमचू बेच देना ये आप ही का काम है कमाल कर दिया गुरुदेव कमाल कर दिया अबे मूर्खो अभी तुम लोगों ने गुरुदेव का कमाल देखा ही कहाँ है असली कमाल तो इसमें बंद है पटारी में अरे घटतेरे की पटारी मत कहो तिजोरी कहो टकसाल कहो खजाना कहो हिकमत के रूप से क्या चीज है इसमें गुरुदेव अरे चीज नहीं है चमत्कार है चमत्कार अगर हमारा ये आखिरी तजुर्बा कामयाब हो गया जिसका कि मुझे यकीन है कि होगा तो मूर्खों हमारी तकदीरें खुल जाएगी रहने के लिए बंगले घूमने के लिए मोटरें उड़ने के लिए हवाई जहाज बाजारों में लोग हमें झुकझुक कर सलाम किया करेंगे हिकमत के रूप से अब और ना तड़पाओ गुरुदेव खोल दो हमारी तकदीर की पटारी उठाओ और अपने आप ही खोल लो मैं खोलूंगा अरे मैं खोल अरे मैं तुमसे नहीं खुलेगी रे हाँ।
अरे बुजुर्गो अब सुनो, सांप के काटे का छिपिया इलाज है किसी माई के लाल के पास? नहीं, मेरे पास है एक मत की रूस है, हजारी गुलजारी कर लो तजुर्बे की तैयारी। तजुर्बा? हाँ, ये जहरीला सांप तुम दोनों को काटेगा और इसका जहर तुम्हारे जिस्म में फैल जाएगा और तुम बेहोश हो जाओगे, हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए मर भी जाओ। लेकिन मेरी दवा का असर ऐसा होगा कि तमाम जहर पसीना बनकर बह जाएगा और तुम दो मिनट में सीना तान कर खड़े हो जाओगे। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, क्या सांप का नाम सुनकर थाम सुन गया तुम दोनों को? क्या तुम्हें मेरी लियाकत पर कोई शक है? राम 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 राम, हमें आपकी लियाकत पर नहीं, अपनी किस्मत पर शक है गुरुदेव। गुरुदेव, ये तजुर्बा अपने आप पर कर ले तो कैसा रहेगा? लालत है तुम लोगों पर, जिस कौम में तुम जैसे डरपोक और बेवकूफ पैदा होंगे वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। कभी पकड़ो। बधाई हो बधाई, लड़का हुआ है, लड़का लड़का हुआ, लड़का हुआ। बधाई हो दीनानाथ जी, आपको भी बधाई हो, आपको भी बधाई हो। बधाई हो चन्नी बेटा, भगवान ने तुझे चांद का भतीजा दिया है। सच, मैं चाचा बन गया। मगर चन्नी बेटा, तुम वहाँ क्यों नहीं आए? पिताजी, जहाँ अपने गैरों की तरह मिलते हो वहाँ जाने को दिल नहीं करता, फिर भी अपने भतीजे को देखने जरूर जाऊंगा। माँ कैसा है मुन्ना? दीनानाथ जी, नमस्ते। मैं जरा जल्दी में हूँ, बस आपको याद दिलाने आया था। कर्ज तो कौन भूल सकता है लाला जी, मगर मुझे अफसोस है कि मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका, कुछ दिन और ठहर जाइए। अब तो आपके बेटे का काम खूब चल निकला है, 8-10 हजार की रकम तो आपके लिए क्या चीज है? अभी नया नया काम है बलदेव का, थोड़े दिन की मोहलत और दीजिए। आपकी शराफत मुझे तकाजा नहीं करने देती दीनानाथ जी। अच्छा, जयराम जी की। जयराम जी की। आप घबराइए नहीं पिताजी, मैं पढ़ाई छोड़कर कोई नौकरी कर लेता हूँ। नहीं नहीं बेटा, पढ़ाई अधूरी रह गई तो न इस पार न उस पार। मगर पिताजी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम ठीक कहते हो बेटा, कुछ न कुछ तो करना ही होगा। आराम भी तो कर लिया करो। आराम तो किस्मत से मिलता है बलदेव की माँ। किस्मत तो ऐसी है कि बेटा डॉक्टर है और माँ के लिए दवाई अस्पताल से आती। लो माँ। दादी, दादी,
अरे मेरा मुन्ना 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 मेरा मुन्ना। दो माँ दवाई पी लो। अरे छोड़ अब दवा, मैं तो बिन दवा के अच्छी हो जाती हूँ अपने मुन्ने को देखकर। मेरा मुन्ना ना जा कैसा है ले बाबा तू, बहू बेटे से तो मेरा मुन्ना लाख दर्जे अच्छा है जो रोज हमें मिलने आता है। वो लोग जिस दिन से गए हैं भूले से शक्ल नहीं देखी इस घर की। चलो अच्छा है, खुश रहे अपने घर। लाजी आइए आइए, खुशी राम जी आइए, ये लीजिए। ये क्या है? देखिए लाजी, 150 से मेरी रकम टूटती है, अब सर से पानी गुजर चुका है, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे पूरी रकम मिलनी चाहिए वरना मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। नहीं नहीं लाला जी, ऐसा न कीजिए, हम सर मेरी इज्जत डूब जाएगी। मैं आपकी इज्जत को देखूं तो मेरी रकम डूबती है। मैं आपको कल तक की मोहलत देता हूँ वरना मेरे लिए ये मकान कुर करने के सिवा और कोई चारा नहीं, समझे? मैं मजबूर होकर तुम्हारे पास आया हूँ बलदेव। अब इज्जत का सवाल आ पड़ा है, मेरी इज्जत का, तुम्हारी इज्जत का, सारे खानदान की इज्जत का। वो तो सब ठीक है पिताजी, लेकिन लेकिन इतना जल्द इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे हो सकता है? ये क्या कहते हो बेटा, 8-10 हजार की रकम तुम्हारी आमदनी के मुकाबले में क्या चीज है? आमदनी के साथ साथ खर्च भी तो उसी तरह से बढ़ जाता है ना पिताजी। आप उस मकान को बेच क्यों देते? बलदेव पिताजी, उस पुराने मकान में अब रखा ही क्या है? शायद तुम्हारी नजरों में उसकी कोई कीमत नहीं, मगर मेरे लिए वो मकान एक मंदिर से कम नहीं। खैर साहब साहब कहो, कुछ करना चाहते हो या नहीं? पिताजी मैंने अपनी पोजीशन आपके सामने रख दी, फिर भी कोशिश कर देखता हूं मगर वादा नहीं कर सकता। खुश रहो बेटा, कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर तो मेरा है जिसने तुमसे कोई उम्मीद रखी। पिताजी उस पुराने मकान में अब रखा ही क्या है? मैं आपको कल तक की मोहलत देता हूँ वरना मेरे लिए ये मकान पूर करने के सिवा और कोई चारा नहीं, समझे? पिताजी उस पुराने मकान में रखा ही क्या है? आप उस मकान को बेच क्यों देते? मैं आपकी इज्जत को देखूं तो मेरी रकम डूबती है। मैं आपको कल तक की मोहलत देता हूँ वरना मेरे लिए ये मकान कुर करने के सिवा और कोई चारा नहीं। आप इस मकान को बेच क्यों देते? मेरे लिए ये मकान कुर करने के सिवा और कोई चारा नहीं। आप इस मकान को बेच क्यों देते? मकान कुर करने के सिवा और कोई चारा नहीं। मकान को बेच क्यों देते? मकान कुर करने के सिवा और कोई चारा नहीं। मकान को बेच क्यों देते? मकान कुर करने के सिवा और कोई चारा नहीं। कुर करने के सिवा और कोई चारा नहीं। जल्दी से पट्टी खोल दीजिए डॉक्टर साहब, मैं अपने मुन्ने को देखने के लिए तरस गया। आपकी आंखों पर आग ने बहुत ज्यादा असर किया था, भगवान कह रहे अब आपकी आंखें अच्छी हो गई। अब आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलिए। डॉक्टर डॉक्टर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इनकी आंखें जाती रही। डॉक्टर नहीं, नहीं।
रोती क्यों हो? अच्छा ही हुआ, अब ये दुनिया देखने के लायक भी तो नहीं रही। बलदेव बेटा, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे मेरे पुराने झोपड़े में पहुंचा दो। तुम चुप क्यों हो? तुम सब चले गए क्या? चन्नी, चन्नी। हाँ पिताजी। बेटा मुझे घर ले चलो। पिताजी अब वो घर हमारा नहीं रहा। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। चलो बलदेव, छुट्टी। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। तुम बोलते क्यों नहीं बेटा? अब तो आंख की शर्म का भी सवाल पैदा नहीं होता। रो नहीं दादी, दादा की आंखें ठीक हो जाएगी। मेरे भी आंखें ऐसे ही दिख रही थी। क्या बात है बाबूजी, क्या हुआ? क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? क्या बात है चाचा जी, खैर तो है? लगाने क्या बात है, मुंह से कुछ फूटते नहीं। अरे मैं मुंह से कुछ फूटा तो तू भी फूट फूट कर रोने लग जाएगी। हाय राम, मेरे पिताजी तो खैरियत से हैं ना? और तेरे पिताजी तो खैरियत से है, तेरी बेटी के पिताजी की खैर नहीं। बताइए तुझे किसी से मारपीट होगी क्या? सरकार ने मेरे पेट पर लात मारी है, मेरी हिकमत का लाइसेंस जब्त कर लिया हिकमत की रूह से। मगर वजह क्या है? वजह कोई माकूल हो तो बताओ। देखो, एक 70 साल बूढ़ा जो पहले मरा हुआ था, मेरी दवा से चल के बसा के सारे शहर में तूफान मच गया। मौत और जिंदगी भरा इंसान के हाथ की बात है, बता नहीं ना। कोयते में भूचाल आया, लाखों आदमी मर गए, क्या मैंने मरे? हवाई जहाज के हादसों से रोज आदमी मर जाते हैं, क्या मैं मरने जाता हूँ? नहीं ना, तो फिर दुआई है, दुआई यार। देर खाता, देर खाता ना होता तो एक अनाड़ी इसने बस को हिम्मत कर लेता। अरे मुलठी, इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। अरे भाग्यवान नाड़ी देखकर सारे खानदान की बीमारी बता देने वाला नाड़ी होता क्या? एक मत गिरू से आप चुप हो जाइए बाबूजी। चुप कैसे हो जाओ बेटी, तुम्हारी शादी की बात तो दूर रही, अब तो मुझे अपने पेट पालने की फिक्र हो गई। चाचा जी, एक दरवाजा बंद होता तो 100 दरवाजे खुलते। अरे मुझे तो कोई रोशनदान भी खुलता दिखाई नहीं देता, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अरे भगवान, जब तक मेरा धंधा शुरू नहीं होता तू आशा को साथ लेकर अपने मैके चली जा। हाँ हाँ, और अगर हो सके तो 50 रुपए महीना बाकायदा वहां से भिजवाती रहना मुझे चुपके। क्या 7 सालों का एक ही बहन हुई हूँ, अगर 10-10 रुपए महीना भी भेजे तो 70 होते हैं, मैं तो 20 कम मांग रहा हूँ। मेरे बाप की टकसाल चलती है ना, मुझे तो खुश शर्माती वहां जाकर रहते हुए लड़की के साथ। मैं उनकी लड़की को 20 साल से खिला रहा हूँ, अगर वो मेरी लड़की को 2 महीने खिलाएंगे तो क्या उनका दीवाना निकल जाएगा? और सुन भगवान, वहां जाकर मेरा ढिंढोरा नहीं पीटना, अगर कोई पूछे तो यही कहना कि आयुर्वेदिक की डिग्री लेने बनारस चले गए हैं। बनारस जाने से पहले हमारा हिसाब चुकता करते जाइए गुरुदेव। अरे मेरा तो अपना हिसाब चुकता हो चुका है, कमीनों, लाइसेंस जबत, कारोबार ठप। यही खुशखबरी सुनकर तो हम आए हैं। अब हम आप पर बोझ बनना नहीं चाहते, हमारी बकाया तनख्वाह दे दीजिए। अरे जलीलो, कमीनों, बेशर्मो, शर्म नहीं आती? इस वक्त मेरे दिल पर हाथ रखने की बजाय पैसों के लिए हाथ फैला रहे हो। जाओ हट्टे कट्टे कमा कर खाओ, जाओ। अरे जाते हो जाए, जाओ। शांति से काम लीजिए चाचा जी, मुसीबत किस पर नहीं आती, बस मेरे काम पर लगने की देर है, सब ठीक हो जाएगा। चंदी बेटा, तू सचमुच मेरे लिए अमृत धारा बनकर आया है। तू घबरा नहीं, मैं जल्दी से जल्दी तुम्हें काम पर लगवाने की कोशिश करूंगा, फिर तुम मेरा ख्याल रखना है। चाची चला गया। माफ करना बहू। पिताजी, जब आपको दिखाई नहीं देता तो आप एक जगह आराम से क्यों नहीं बैठते? ठीक करती हो, चलिए आप। ठीक करती हो, अपने घर चलिए। सकली मोर का
मैं तो परेशान हो गई हूँ, कितना खूबसूरत फ्लावर वास पिताजी ने तोड़ दिया। अरे तो कोई बात नहीं, और आ जाएगा। कौन कौन सी चीज लेकर आओगे? यहाँ तो अब यही चलेगा। इससे तो अच्छा था कि तुम उनके मकान का जुर्माना भर देते, कम से कम हमारी आजादी में फर्क तो न पड़ता। रेखा, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ? आखिर वो मेरे माँ बाप है, उन्हें कहाँ फेंक दे? तो फिर मुझे फेंक दो। रेखा प्लीज ना। चलो मैं आ जाऊंगा। मुन्ने चलो स्कूल की तैयारी करो। चलिए, तुम्हारे कॉलेज का वक्त नहीं हुआ? कॉलेज छोड़ दिया भैया। छोड़ दिया वो क्यों? कॉलेज में फीस लगती है। तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं किसी पर बोझ बनना नहीं चाहता। अगर तुम्हें इतनी गैरत है तो कुछ करके दिखा। इसके लिए मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। ले मुझे खेल दिन शाबाश। देखा कितनी लंबी जुबान हो गई है इसकी। तुम्हारी नबज तो गधे की तरह दिख रही है। चलिए आप चलिए। कंबल उतारिए, आपको तो बहुत पसीना आ रहा है। डॉक्टर साहब, ये पसीना कंबल का नहीं है, शर्म का पसीना है, हिकमत की रूह से। चाचा जी, आप और यहाँ? क्या बताऊं भतीजे, कितनी शर्म की बात है कि शहर का इतना बड़ा हकीम और एक मामूली डॉक्टर से इलाज कराने आया है। चाचा जी, आप अपना इलाज खुद क्यों नहीं कर लेते? वो बात यह है कि गवर्नमेंट ने मेरा लाइसेंस जब्त कर दिया है। अगर मैं अपना इलाज खुद करूँ तो गवर्नमेंट को धोखा दूँ? मैं नहीं दूंगा। अच्छा, फिक्र मत कीजिए। ये लीजिए दवाई। हाँ। और हर 3 घंटे के बाद एक गोली खा लीजिए। अच्छा। हाँ? और भतीजे, एक बात का जरा खास तौर पे ध्यान रखना कि मेरे यहाँ आने का किसी से जिक्र नहीं करना, मेरी इज्जत का सवाल है। एक मत की रूप फिक्र मत कीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा। अच्छा अच्छा, और देखो जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब भेज दूंगा। कोई बात। कहाँ से आ रहे हो चाचा जी? चन्नी बेटा, वो मैं हाँ, मैं एक मरीज को मौत के मुंह से बचाकर आ रहा हूँ। मगर आपका लाइसेंस तो जब्त हो चुका है ना? अरे वो लाइसेंस तो दुकान का जब्त हुआ है, मगर मैं तो मरीज के मकान पर गया था हिकमत की रूह से। चाचा जी, उस मरीज का नाम कहीं डॉक्टर बलदेव तो नहीं? हिकमत की रूह से कहीं का। तू कहाँ से आ रहा है? मैं जा रहा हूँ आपके यहाँ। तो आ गया मेरा लाइसेंस वापस। अरे ओ मुलट्ठी, खोल दे दुकान। जी, ये चन्नी की चिट्ठी है, शायद कलकत्ते से आई। हाँ अब खोलो खोलो। मिल गई नौकरी? कैसे नहीं मिलती, मंत्री ऐसा फूंका था लिफाफे पर मैंने। मैसा भगवान ने चाहा तो जल्द ही मकान का बंदोबस्त करके मैं मार फिर को कलकत्ते बुला लूंगा। वाह बेटा, हमें भूल गए। आपको कैसे भूल सकते? बस जल्दी हमें बुलाओ काली कलकत्ते वाली के चरणों में। मगर एक शर्त पर। हाँ बोलो बोलो। आप वहाँ जाकर हिकमत नहीं करेंगे? हाँ हिकमत नहीं करेंगे, हिकमत की रूह से। हम कोई एक हुनर के उस्ताद थोड़े हैं, ज्योतिष शुरू कर देंगे ज्योतिष की रूह से। ये मेरा बाथरूम, ये मेरा किचन, ये मेरा ड्राइंग रूम और ये मेरा बेडरूम। और बेटा मम्मी डैडी का बेडरूम? अरे हाँ, आपके लिए तो सोचना पड़ेगा। आपके लिए ये कॉट है। अरे बेटा जी, अपने मम्मी डैडी को क्या सर्वेंट क्वार्टर में रखोगे? इसमें क्या है, डैडी ने भी तो दादा दादी को सर्वेंट क्वार्टर में रखा है। मुन्ना, ज्यादा बातें नहीं किया करते। मास्टर जी, मास्टर जी। सत श्रीकाल बहन जी, आप किससे मिलना चाहती हैं? नमस्ते दीदी। सत श्रीकाल मास्टर जी, मैं तो अड्डे वाली आई थी,
ਪਲਾ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪੜਾਣਾ ਕਿ ਛੱਡਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਬਾਕੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਐਲ ਆਫ ਮੀ ਫੀਸ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ 30 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਲਈ 30,000 ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ये 20-30 रुपए के लिए अपने भाई की इज्जत मिट्टी में मिलाकर शर्म नहीं आई तुम्हें मेहनत की कमाई से किसी की इज्जत मिट्टी में मिलते आज पहली बार सुन रहा हूँ भाभी मगर जब भाई की इज्जत वाकई मिट्टी में मिल रही उस वक्त आपकी जुबान क्यों खामोश थी मेरे किसी को दो घड़ी पढ़ा देने से तो आपकी इज्जत मिट्टी में मिलती है मगर जब बूढ़ा बाप दिन रात मजदूरी करता था उस वक्त आपकी इज्जत मिट्टी में नहीं मिली भैया की पढ़ाई पर उठाए हुए कर्जे की बदौलत जद्दी मकान सरे बाजार नीलाम हो गया उस वक्त आपकी इज्जत मिट्टी में नहीं मिली और अब जबकि वो सर्वेंट क्वार्टर्स में कैदियों की तरह दिन काट रही है आपकी इज्जत अगर तुम्हें उनका इतना दर्द है तो एक नया बंगला क्यों नहीं खरीद लेते उनके लिए ताकि वो आजादी से रहे एक तो मुफ्त की रोटियां दो उनको तोड़ने के लिए और ऊपर से फिर ताने सुनो बेशर्म कहेंगे जुबान काबू में रखो भाभी ऐसा ना हो कि जवाब में मैं भी कुछ कह बैठूं चन्नी होश में तुम यही सवाल भाभी से करो जिसे दौलत के गरूर ने अंधा कर रखा अंधा वो तुम्हारे बाप है जो अंदर बैठा है काश मैं तुम्हें इसका जवाब दे सकता मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद न थी तुमने आज बहुत छोटी बात की बस मेरी बात पकड़ ली और वो जो इतनी बकवास कर गया है उसका कुछ नहीं आखिर मैं पराए घर की ठहरी ना संभालो अपने घर रेखा तुम्हें आज क्या हो गया है तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती और खुद क्यों नहीं समझती प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड तुम्हें नौकरी मिलने से बहुत खुशी हुई बेटा लेकिन ये घर से इस तरह झगड़ा करके जाना अच्छा नहीं झगड़ा खत्म ही समझिए पिताजी अब कौन रहेगा इनके पास मैं आपको जल्द से जल्द यहाँ से ले जाऊंगा अच्छा पिताजी हमारे बुढ़ापे का अबतूरी सहारा है वहां जाके हमें भूज मत जाना ऐसा मत सोचिए पिताजी अच्छा माँ झुक झुक जी हो बेटा पहली बार माँ से दूर हो रहा है ध्यान से रहना परदेश में फिक्र ना करो माँ मैं बच्चा थोड़ी हूँ बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए कुछ ही दिनों में तुम्हें राज करा दूंगा राज मैं क्या अब राज करूंगी बेटा मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मरने के बाद तेरा कंधा नसीब हो वाह माँ अब जब जीने के दिन आया तो मरने की सोच रही है मरे तुम्हारे दुश्मन अच्छा माँ जाते ही राजी खुशी की चिट्ठी जरूर लिखना माँ मैं लकीर का फकीर नहीं चिट्ठी ना आए तो समझ लेना मैं राजी खुशी मैं जा रहा हूँ भैया लेकिन जाने से पहले कुछ अर्ज करना चाहता हूँ मैं जानता हूँ माँ और पिताजी आप पर एक बोझ हैं लेकिन अगर आप उन्हें मेरी अमानत समझकर कुछ देर और अपने पास रखने की तकलीफ करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी चलो चलिए जाता है तो जाने दीजिए जब खुद कमाना पड़ेगा तो होश आ जाएगा लेकिन भैया को तो खुद कमाकर भी होश नहीं आया नमस्ते पीना शुरू करती अशा आज मैं बहुत उदास ओ, तो कल से शराब भी पीना शुरू कर दोगे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे मिले बिना चल दोगे मैं तुम्हें जानबूझकर नहीं मिला क्यों मिलकर जुदा होने की घड़ी बहुत कठिन होती इतना छोटा दिन था नहीं हालात ने बना दिया है एक तो माँ और पिताजी की परेशानी उस पर तुम्हारी जुदाई मुझ में ये सहने की हिम्मत नहीं लेकिन मुझ में ये हिम्मत है कि मैं तुम्हें मुस्कुराते हुए विदा करूं आशा हौसले से काम लो अब तो दुख के बादल छट गए
जरा आंखें बंद करके आने वाले दिनों को देखने की कोशिश करो। चन्नी, जब हम दोनों मिलकर एक छोटी सी दुनिया बसाएंगे और अपने माता पिता की इतनी सेवा करेंगे कि वो इन दिनों को भूल जाएंगे। ये क्या है? गाड़ी चलने की बात खोलिए। परी ने अपने जादू से राजकुमार को तोता बना दिया। तोता बना दिया दादी? हाँ। और फिर तोता उड़ गया? नहीं, फिर तो दादी बात पूरी करके खासा करो ना। मुन्ने मुन्ने चली जाए। माँ जी, ये तो बच्चा है, मगर आपको तो सोचना चाहिए, आपको सांस की बीमारी है, मुन्ने को अपने से दूर रखा कीजिए। बहू, मुझे कोई छूत की बीमारी तो नहीं? छूत की बीमारी किसी के माथे पे नहीं लिखी होती। माथे पर तो किस्मत का हाल लिखा होता है बहू, जिसे मुझ जैसा अंधा भी पड़ सकता है। बलदेव की माँ, बहू को नाराज मत करो। मुन्ने चलो बेटे, तुम्हारे लिए कारीगरी का सामान लाना है ना, चलो। मैं तो कहती हूँ चन्नी के आने तक आप हमारे यहाँ रहिए। सुखी रहो बेटी, तुम्हारे कहना ही काफी है, मुझे बेटे की इज्जत का सवाल है। चलिए लाला जी, आज आपको सब्जी मंडी के सह कराना। अरे मंगल, तो मेरा कितना ख्याल रखता है, हर रोज मुझे सैर को ले जाता है, मगर मुझ गरीब बंदे के पास दुआओं के सिवा है क्या तुम्हें देने को? ये दुआएं हर किसी को कहाँ नसीब होती है लाला जी। चलिए चल चल बेटा। दादा? अरे मुन्ना, तू कभी नहीं चूकता, रोज मुझे गेट पर रोक देता है। गेट पे ही तो टिकट चेक होती है दादा। अच्छा अच्छा, मैं तेरे लिए चॉकलेट लेकर आऊंगा। अच्छा मुन्ना, ये बताओ आज अपने जन्मदिन पर अपने दादा को क्या दोगे? साइलेंस प्लीज, साइलेंस। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आप इस टेबल के पास आ जाइए, अब हमारा मुन्ना राजा अपना बर्थडे केक काटेगा। चलो बेटा कैंडल बुझाओ, फूंक मारो, चल केक काटो। एक मुझे भी।
कीजिए माता जी। लीजिए पिताजी। सुखी रहो बेटा। सरवन बेटा, तुझे कितना कष्ट उठाना पड़ता है हमारे लिए। ऐसा ना बोलो माता जी, ये तो मेरा सौभाग्य है। श्रवण की माँ, सच पूछो तो भगवान ने बेटे के रूप में एक देवता दे दिया है हमें, नहीं तो कौन बूढ़े और अंधे माँ बाप को अपने कंधों पे उठाए तीर्थ यात्रा करा सकता है। आपको तभी तीर्थ यात्रा करनी है पिताजी, मैं कितना भगवान, मेरे तीर्थ तो आप हैं। झुक झुक दियो बेटा। जब तक के है आकाश पे चांद और सितारे, भगवान सलामत रहे माँ बाप हमारे। जब तक के है आकाश पे चांद और सितारे, भगवान सलामत रहे माँ बाप हमारे। ले गए, भूख लगी हो तो खाना ले आऊं। खाना तो मैं ले रहा हूं माँ जी। मंगल
बाहर मेहमान बैठे हैं और तुझे इनकी पड़ी है। खाना कम पड़ गया तो? इतने आदमियों का खाना बना है बहू, इन दो रोटियों से क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर घर वाले मेहमानों की बात खा लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? बलदेव की माँ, बहू ठीक है, मैं भूख से मरा तो नहीं जा रहा हूँ। मंगल खाना ले जा बेटा। हाय राव, ये दिन भी देखने थे। अभी तो और न जाने क्या क्या कुछ देखना बाकी है। ऐसा न कहिए, बस हमारी चन्नी के आने की देर है। मगर चन्नी भी तो मैं भूल गया, यहाँ से जाने के बाद एक चिट्ठी तक नहीं लिखी। मैंने इसी उम्मीद पर तो घर चिट्ठी नहीं लिखी मैनेजर साहब, कि मैं खुद तनख्वाह लेकर घर पहुँचूँ और सबको अचानक खुशखबरी मिले। वो तो ठीक है मिस्टर चंद्रमोहन, लेकिन अभी तुम्हारी नौकरी को एक ही महीना हुआ है और पहले महीने छुट्टी देना हमारी कंपनी के असूल के खिलाफ है। जी, मैं वादा करता हूँ फिर साल भर कभी छुट्टी नहीं लूंगा, और फिर मैंने मकान भी किराए पर ले लिया है। अच्छा, तो इतनी बेताबी है घरवाली के लिए? जी, मेरी होने वाली घरवाली तो अभी अपने माँ बाप के घर ही पल रही है। मैं दरअसल अपने माँ बाप को यहाँ लाना चाहता हूँ, जो कब से मेरी राह देख रहे होंगे। ओह, ये बात है, फिर तो मैं आउट ऑफ द वे जाके भी तुम्हें छुट्टी दूंगा। यू कैन गो। थैंक यू वेरी मच मैनेजर साहब, थैंक यू। वो गोली खा लो, खांसी बंद हो जाएगी। बलदेव ने दूध के साथ लेने को कहा था। मैं बहुत से मांग लाता हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? तो फिर और कौन तकलीफ करेगा तुम्हारे लिए? बहू। क्या है पिताजी? तुम्हारी सास की तबीयत ठीक नहीं है, दवा खाने के लिए थोड़ा सा दूध चाहिए। दूध? दूध खत्म हो गया है। तो बाजार से मंगा दो बेटी। मंगल तो छुट्टी पर गया है, कहिए तो मैं ले आऊं बाजार से। नहीं नहीं, तुम क्यों जाओगे, वो पानी से खा लेगी। क्या है बलदेव की माँ? प्यास लगी, थोड़ा पानी ले आओ। पानी बनी हो गई है, इस हालत में पानी लेने जाएगी? मैं ले आता। बेटी, मैं तुम्हारी माँ के लिए पानी लेने आया था। पानी लेने आए थे या दूध? इस उम्र में आपको झूठ बोलते देखकर मुझे तो क्या असर पड़ेगा? लेकिन बहू, तुमने तो कहा था घर में दूध नहीं है। चोरी और सीना भाई, ये दूध तो मैंने मुन्ने के लिए रखा था। पिताजी, आप क्यों अकेले आते जाते, ये आपने अच्छा नहीं किया। अगर आपको दूध की जरूरत थी तो मुझसे कहा होता। तुम सच कहते हो बेटा, इंसान के जब बुरे दिन आते हैं तो उसकी अकल मारी जाती है। बहू, मुझे माफ कर दो, मैं छोटी सी बात के लिए तुमसे झूठ बोला। दरअसल मैं दूध ही लेने आया था, मैं दूध लेने आया था। बलदेव की माँ, अब इस घर का मुझ पर अंजल भी हराम है। क्या हुआ? जिस घर में खुद बेटा बाप पर चोरी का इल्जाम लगा, उस घर में सांस भी लेना पाप है। हे राम। चलो उठो। तेरी कुछ दिन चन्नी का इंतजार तो कर ले। तुम करती रहो इंतजार, मैं नहीं ठहर सकता। लेकिन इतनी रात गए कहाँ जाएंगे, दिन तो चलने दीजिए। एक अंधे के लिए क्या दिन और क्या रात, तुम्हें मेरे साथ चलना है तो उठो। तेरे साथ क्या लिया हूँ बेटे? मैं
हुकूमत वाला आ चला अपनी मंजिल को, हुकूमत वाला आ चला अपनी मंजिल को, किस्मत ने आसान किया है हर मुश्किल को। इन आंखों में झूम रहे हैं सपने, गले मिलेंगे हंस हंस कर सब अपने, आज ये दिल पालेगा अपनों की महफिल को, हिकमत वाला आ चला अपनी मंजिल को। तूफानों की गोद में किस्मत खेली, तूफानों की गोद में किस्मत खेली, खूब लड़ी माँ जो से जान अकेली, चार कदम पर देख रहा हूँ अब साहिल को, हिकमत वाला आ चला अपनी मंजिल को, किस्मत ने आसान किया है हर मुश्किल को। वो यहां तो नहीं आए, लेकिन बात क्या हुई थी? जी बात बात तो कोई खास नहीं हुई। अच्छा मैं चलता हूं। ये सब बलदेव की कमजोरी का नतीजा है। शुक्र है कि भगवान ने मुझे कोई लड़का नहीं दिया, नहीं तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता हिम्मत की रूह से। चला पानी। माँ, पिताजी, माँ, अरे मुन्ने, अच्छा, ओ, माँ और पिताजी कहाँ हैं? चले गए? हाँ, मम्मी ने दादा को चोर का हटाना, इसलिए वो यहाँ रात को यहाँ से चले गए। शाबाश भैया, आफरी है तुम पर, खूब फर्ज को निभाया है तुमने। कहां है मेरी अमानत, किसके कदमों में रखूं ये कमाई, किसको ले जाऊं उस घर में जिसे मैंने अपना पेट काट कर किराए पर लिया है। चन्नी, न जाने वो कहां चले गए,
मैं खुद बहुत परेशान हूं। परेशान और तुम? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बला टल गई है ना तुम्हारे सर से। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बात करते हुए? शर्म मुझे नहीं, तुमको आनी चाहिए। तुमको, जिसने उन माँ बाप को बोझ समझ कर घर से निकाल दिया, जो जिंदगी भर तुम्हारा बोझ उठाते रहे, जिस बाप ने दिन रात मजदूरी करके तुम्हें इस लायक बनाया, उसको ये सिला दिया है तुम। पिताजी तुम्हें बुढ़ापे की लाठी समझते थे भैया, मगर अफसोस तुम लाठी तो जरूर हो, मगर सहारा देने वाली नहीं, कमर तोड़ देने वाली लाठी। चन्नी, जिस माँ ने 9 महीने तुम्हें अपने पेट में रखा, उसको तुम 4 दिन अपने घर में नहीं रख सके। लानत ऐसे मर्द पर जिसे दौलत के लालच से जोरू का गुलाम बना दिया। चन्नी, शर्म नहीं आती ऐसे बकवास करते। हमने धक्के देकर तो नहीं निकाला उन्हें, कोई अपनी मर्जी से जाए तो हम क्या करें। हमने कोई कम मुसीबत नहीं उठाई उनके लिए। एहसान मानने के बदले उल्टा आंखें दिखाते हो। एहसान, वाकई बहुत बड़ा एहसान किया है आपने हमारे खानदान पर। भाई को भाई से, बेटे को माँ बाप से छीन लेना एहसान नहीं तो और क्या है? बंद करो ये बकवास और दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी सुरह तक देखना नहीं चाहती। मेरी आंखें भी इतनी बेगैरत नहीं जो इंसान के लिबास में भेड़ियों को देख सके। अंकल, मुझे भी साथ ले चलो, मैं मम्मी के साथ नहीं रहूंगा। मुन्ने, मुन्ने चल अंदर। अंकल, अंकल, अंकल। छान मारा और मिलने वाले के घर गया, मगर ऐसे हालात में कोई भी अपने जान पहचान वालों से नहीं मिलता। वो अपनी इज्जत को लिए जरूर किसी अनजान जगह सर छुपाए बैठे होंगे। नाजुक है, फिर भी मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। घबराओ नहीं, जल्दी से ये इंजेक्शन मंगवा। कितने के आएंगे डॉक्टर साहब? यही 20-25 रुपए में। 20-25 माफ करना भाई, कोई बात नहीं बाबा। भाई, यहाँ कोई ऐसा दवाखाना है जहाँ गरीबों को दवा मुफ्त मिलती है? बाबा, जो मुफ्त मिलती है वो दवा नहीं होती, और जो दवा होती है वो मुफ्त नहीं मिलती। यहाँ तो वो सामने एक चोपड़ा मेडिकल हॉल है। चोपड़ा मेडिकल हॉल? अगर तुम अपने बेटे से जाकर मिलो तो तुम्हारी बीवी की जिंदगी बच सकती है। बस दिल की बात सुन ली, जमीर की नहीं सुन के। अपने कपूत बेटे का एहसान लेकर अच्छा होने से ये बेहतर है कि तुम्हारी बीवी इज्जत की मौत मर जाए। इज्जत की मौत मर जाए। रुक क्यों गए?
क्या सब कुछ गंवा बैठने के बाद अपने जीवन साथी को भी गंवाना चाहते हो? मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन अपने जमीर और खुददारी का गला घोंट कर जिंदा रहना मौत से भी बदतर, मौत से भी बदतर है। चले जाओ, चले जाओ। कब तक आहें भरते रहोगे? आहें भरने और आंसू बहाने से मुश्किल आसान नहीं होती दीनानाथ, उसे बचाना तुम्हारा फर्ज है। चाहे मजदूरी करो, भीख मांगो, चोरी करो, चोरी करो, भीख मांगो, मजदूरी करो, चोरी करो, मजदूरी करो, भीख मांगो, चोरी करो, मजदूरी करो, चोरी करो। सामने गाड़ी में रख। क्यों क्या? जिसमें जान नहीं तो मजदूरी क्यों करते हो? इतनी क्लीन दिखाओ नहीं तोड़कर रख दी। तेरी दवा तो नहीं ला सका, मगर अपने दिल पर कभी न भरने वाला जख्म जरूर ले आया हूं। बेटे से बस जूतियां खाने की कसर बाकी रह गई थी, सो आज वो भी पूरी हो गई। जी तो चाहता था जहर खाके मर जाऊं, लेकिन जहर के लिए भी तो पैसे चाहिए। सारी दुनिया में सबने मुझ बदनसीब का साथ छोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, तूने तो मेरा साथ नहीं छोड़ा। घबरा मत, तू बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। भगवान इतना निर्दयी नहीं जो एक अंधे का आखिरी सहारा तुझसे छीन ले। बलदेव की माँ, हे बलदेव की माँ, तू बोलती क्यों नहीं है? किससे बातें कर रही है बाबा? मट्टी से पंछी कब का उड़ चुका। बलदेव की माँ, बलदेव, तू भी खुद गर्ज निकली, तूने भी आंखें फेर ली मुझ बदनसीब से। जिंदगी भर किसी बात में तूने मुझसे पहल नहीं की, हमेशा मुझे पहले खिलाकर पीछे आप खाती थी। पहले मेरे आराम का ख्याल करती, जिंदगी के सफर क्यों पीछे छोड़ दिया? मरने में क्यों पहल की? मां और पिताजी ना जाने कहां चले गए, मैं तो बिल्कुल निराश हो चुका हूं। मगर मेरा दिल कहता है कि बिछड़े होके मिलने में अब देर नहीं। मरना तो एक दिन सबको ही है,
लेकिन कहते हैं अगर आस्ती में अर्थी मिले तो अच्छा शगुन होता है। आशा मुझे उम्मीद है आज माँ और पिताजी जरूर मिल जाएंगे। एक से चार बुखार है, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा रेखा। मैं डॉक्टर वर्मा को फोन करता हूँ। ये होश में कब आएगा डॉक्टर? घबराइए नहीं, थोड़ी देर तक होश में आ जाएगा, मगर बच्चे के होश में आ जाने पर इसके दादा दादी का यहाँ होना बहुत जरूरी है। मेरा यकीन है कि उनके यहाँ आ जाने पर बच्चा बगैर दवा के ठीक हो जाएगा, वरना जाइए, सोच क्या रहे हैं, किसी तरह माँ जी और पिताजी को ले आइए। डॉक्टर साहब, अगर वो ना मिले तो कोशिश कीजिए, उनका आना बहुत जरूरी है। चलिए मैं भी आती हूँ। तो गोया आपको माँ बाप की मोहब्बत ने नहीं बल्कि तुम्हारी जरूरत ने मजबूर किया है उन्हें तलाश करने। चन्नी, हमें और शर्मिंदा न करो, पिछली बात तुमको भूल जाओ। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ चन्नी, हमारे लिए न सही, कम से कम हमारे मुन्ने के लिए। चन्नी, मुन्ने के लिए तो मैं अपनी जान दे सकता हूँ, मगर कहाँ से लाऊं उनको? मिस्टर चंद्रमोहन, आपने जो पुलिस चौकी में अपने पिताजी का हुलिया लिखवाया था, तो क्या पिताजी मिल गए? जी नहीं, उनसे मिलती जुलती शक्ल का एक अंधा आदमी शमशान भूमि में देखा गया है। शमशान घाट आप चलकर शनाख्त कर लीजिए। पिताजी, आप और यहाँ? शोर मत करो, देखते नहीं वो सो रही है। कितने दिनों के बाद सुख की नींद नसीब हुई है बेचारी को। नहीं, माँ, मुझे किस कसूर की सजा दी है? कम से कम मेरा इंतजार तो किया होता माँ। पिताजी, ये क्या हो गया? पिताजी, ये क्या हो गया? मेरी माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैंने क्या किया? पिताजी, मेरी माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अच्छा ही तो हुआ, बेचारी ने तुम लोगों को कंधा देने की भी तकलीफ नहीं दी और अपनी लायक औलाद को दुआएं देती हुई चुपके से चली गई। माँ, मैं मुझे माफ कर दो माँ। बलदेव की माँ, बलदेव की माँ को सुना तुमने? उठ देख, शहर का कितना बड़ा आदमी तुझसे माफी मांगने आया। पिताजी, जाइए डॉक्टर साहब, जाइए, मुझ बदनसीब कंगाल के पास आपको देखकर कोई आप पर उंगली ना उठा बैठे। पिताजी, पिताजी, कहीं आपकी शान में फर्क ना आ जाए। पिताजी, मुझे और शर्मिंदा ना कीजिए। अगर तुम्हें शर्म होती तो यहाँ आने से पहले डूब मरते। दुनिया में डॉक्टर लोगों को मौत के मुंह से छुड़ा लाते, क्या हमने तुम्हें इसी दिन के लिए डॉक्टर बनाया था कि तुम हमें जीते जी मौत के मुंह में धकेल दो? पिताजी, ये दोष इनका नहीं, मेरा है, मेरा, मेरे ही कारण आज इस घर को ये दिन देना पड़ा। पिताजी, भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। खबरदार जो मेरे पांव को हाथ लगाया, सर से पगड़ी उतार कर अब पांव छू रही हो। तुम्हारी लगाई हुई जिस आग ने सारे घर को तबाह कर दिया, अब उससे अपने झूठे आंसुओं से बुझाने आई हो। चली जाओ, चली जाओ यहां से। पिताजी,
सजा देनी है तो मुझे दीजिए, गुनहगार मैं हूं, इसका कोई कसूर नहीं। औरत तो पति की परछाई होती है जो हमेशा उसके पीछे चलती है, अगर राय खुद ही भटक जाए तो उसमें परछाई का क्या कसूर। देखा देखा तो पिताजी हमारे घर को स्वर्ग बनाने आए थे, मगर मुझ बदनसीब की नादानियों ने इसे गुमराह कर दिया। मैं इस काबिल नहीं कि मुझे माफ किया जाए, मुझे जितनी भी सजा मिले थोड़ी है, मगर मैं आपसे विनती करता हूँ, आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पांव पड़ता हूँ पिताजी के, भगवान के लिए घर चलिए। किसका घर? मेरा कोई घर नहीं, तुम लोग चले जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मगर मुन्ने को किसके हाल पर छोड़े पिताजी? मुन्ना? हाँ पिताजी, मां का गम तो हमें जिंदगी भर रुलाएगा, हम वक्त जाया ना कीजिए, अपने खानदान के नन्हे चिराग को बुझने से बचा लीजिए। चन्नी! पिताजी, मुन्ना आपकी जुदाई में सख्त बीमार है और बेहोशी में दादा दादा कहकर बुला रहा है। अरे कमबख्त, तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे मेरे मुन्ने के पास ले चलो, मुन्ने के पास। मुन्ना तुम बीमार हो क्या? सकता दादा दादी का है वो, आ जाएगी बेटा, वो आ जाएगी। दादा अब तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? जाऊंगा जाऊंगा, लेकिन तेरे लिए चॉकलेट लाने। बलदेव की माँ तो ये देख के कितनी खुश होती कि आज बिछड़े हुए फिर से मिल गए। अब मिल गया, हिकमत की रूह से मिल गया। क्या मिल गया सर? अब मेरा बिछड़ा हुआ लाइसेंस। मुबारक हो चाचा जी। अरे बेटे मैं तो हिकमत छोड़ ही चुका था हिकमत की रूह से, लेकिन यकायक शहर में हैजा फैल जाने से जनता तिल मिला उठी, कमेटी वाले बिल बिला उठे, कमेटी वाले भागे भागे आए और मेरे कदमों में पड़ गए, कहने लगे गुरुदेव दिखाइए अपना चमत्कार, बताइए जनता को मौत के मुंह से। चाचा जी ये तो आपने बड़े पुण्य का काम किया, मगर चाचा जी आपके वो दोनों कबूतर हजारी और गुलजारी कहाँ हैं? क्या बताऊं बेटे, वो बेचारे मुझे लाइसेंस मिलने से आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा पहले हैजे से भगवान को प्यारे हो गए, काश मैं उन यतीमों को बचा सकता। हजारी गुलजारी। नमस्कार गुरुदेव। अरे कमीनो तुम तो मर गए थे। एक बार तो मर गए थे गुरुदेव, मगर आपको लाइसेंस मिलने की खबर सुनते ही हिरण की तरह उठ बैठे और कबूतर की तरह उठ के आपके चरणों में आ गए, हमें आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो, ये है सिर्फ लाइसेंस मिलने की खबर का असर है। अच्छा वेलायती राम ये बताओ कब आशा कहाँ चन्नी के हाथ में दोगे? अजी लाला जी अभी लीजिए, ये कौन सी बड़ी बात है, ये रहा आशा का हाथ एक चन्नी के हाथ में और आशा की माँ का हाथ मेरे हाथ में है। जब तक तो है